अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने हसद जलन की वजह से आपकी कामयाबी पर बंदिशें लगा देते हैं, बुरी नज़र लग जाती है। अगर आपकी किस्मत को भी किसी ने बांध दिया है तो आप फौरन ये अमल कर लें। अगर आपको अपने हर काम में परेशानी आती है और कोई चीज़ अपने मुकम्मल काम तक पूरी नहीं हो पाती, आप अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाते, तो फिर भी आप ये अमल ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर लें। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो जो भी काम की शुरुआत करे वो बड़ी सफाई से अपने मुकाम तक पहुंच जाए। सोचिए, जब आप बड़े से बड़ा कदम उठाते हैं तो दिल कितना डरता है, कितने परेशान होते हैं कि पता नहीं ये काम शुरू करते वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं जानते हैं कि अगर वो सच्चे दिल और नेक नियत से उस पाकजात से कुछ मांगेंगे तो उनको ज़रूर मिलेगा। वो अपने हर काम में कामयाबी हासिल करते हैं। और अगर आपको भी अपने हर काम में कामयाबी चाहिए और फौरन अपने काम को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो उसके लिए आज का आपका ये अमल आपको हैरान कर देगा। इंशाल्लाह सारे रास्ते अपने आप ही बनते जाएंगे और आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। चाहे तो इम्तिहान हो, चाहे कोई नौकरी हो, मुलाजमत हो, शादी हो, कोई भी खास मकसद हो, कोई भी खास काम हो, हर अटके हुए काम में यकीनन कामयाबी आपके कदमों में आ जाएगी। याद रहे, ये अमल वुजू की हालत में रहते हुए करना है या फिर किसी भी नमाज के बाद आप कर सकते हैं, जो कि नमाज वुजू के बगैर तो अदा नहीं करते हैं। और औरतें ये अमल हैज के वक्त में बिल्कुल भी ना करें, यानी कि पाक हालत में रहकर करें। और जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप नोट फरमा लें। सबसे पहले तो आपने बावजू होकर शुरू और आखिर में दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने 300 मरतबा अल्लाह पाक का ये नाम या राफियु या राफियु या राफियु अल्लाह पाक का ये पाक नाम 300 मरतबा पढ़कर जब अल्लाह ताला का नाम पढ़ते जाएंगे और जैसे ही आपका 300 मरतबा अल्लाह का नाम पूरा हो जाएगा और उसी वक्त अल्लाह पाक से दुआ मांगें, आपकी दुआ इतनी जल्दी कबूल होगी ऐसा लगेगा कि अभी 3 से 4 सेकंड भी नहीं हुए, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाकर आपके काम को पूरा कर दिया है। जब अमल पूरा हो जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि फौरन उसी आपको अपने काम में कामयाबी मिल गई है, अल्लाह पाक की मदद आ गई है। इंशाल्लाह इस अमल को करने से आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि जिस तरह का भी आपका मकसद हो, जैसा कोई काम हो, उसके लिए आप अल्लाह ताला का ये नाम पढ़कर ज़रूर कर लें। आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, जितनी भी जो भी जैसी भी रुकावटें होंगी वो दूर हो जाएंगी, अपने मकसद में कामयाबी मिल जाएगी, आपकी हर चॉइस हाजत पूरी हो जाएगी और कोई भी ऐसा काम बाकी नहीं रहेगा जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। इस अमल को अपने तमाम दूसरे भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को भी लाजमी बताएँ और आप अपनी दुआओं में याद रखें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।